पक गए यार आज तो स्कूल में, सारा दिन बस पढ़ाते रहते हैं। सही कह रही है, एक काम करते हैं कल ना बंक पे चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। हो यार मजे आएंगे। नहीं यार मेरा तो कल पीरियड्स का फर्स्ट डे है, पीरियड्स होने वाले, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, घर पे ही रहना पड़ेगा। क्या यार तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी फिर। पर ठीक है मत जाइयो फिर। नैंसी नैंसी इतनी गर्मी हो रही है। नैन अरे मैं तो भूल गई थी इसका पीरियड्स का फर्स्ट डे आज, ये तो आएगी नहीं, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। साम्या रुक आ रही हूँ मैं भी। हैं ये तो आने नहीं वाली थी, इसको क्या हो गया एकदम से। ठीक है आने नहीं वाली थी। अरे हाँ यार पता है नहीं आने वाली थी, पर जो चीज आने वाले थे वो तो आए नहीं, पीरियड्स हुए ही नहीं मेरे को आज। अच्छा कोई बात नहीं कल हो जाएंगे। हाँ चलो स्कूल चलते हैं। नैंसी नैंसी अरे यार मैं फिर भूल गई इसको पीरियड्स होने वाले थे, आज तो पक्का हो ही गए होंगे। मुझे भी ना आदत पड़ गई इसके घर आने की बार बार, मैं भी ना भूल जाती हूँ बार बार। काम्या अरे काम्या रुक, काम्या अरे रुक जा, रुक जा। तू फिर आ गई, तेरे को अभी भी पीरियड्स नहीं हुए क्या? नहीं यार मुझे लगा था आज तो ही जाएंगे, आज भी नहीं हुए। हो ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, तेरे को पता है 12C की जो रीमा थी ना उसको भी ऐसे ही हुआ था, और वो 9 महीने बाद अपना बच्चा लेके आई थी और जबरदस्ती उसके घर वालों ने उससे शादी करा दी। पागल कहीं की, मैं ऐसे वैसे काम करूंगी क्या? तू बिना कुछ भी सोचती रहती है, तेरे को पता नहीं है मेरा सब कुछ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और मेरे लिए ना 2 गज की दूरी लड़कों से दूर रहना जरूरी, ये फॉर्मूला है मेरा। अच्छा तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। बट पागल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या एक काम करते हैं, मेरी दादी ना मुझे बहुत सारे नुस्खे बताती थी कैसे पीरियड्स जल्दी आए और जब भी डिले हो जाए कुछ ना कुछ पीने के लिए बताती थी वो, तो स्कूल से जब आएंगे ना तो वही सिखाऊंगी मैं देखो कि क्या पीना है क्या नहीं। चल ठीक है पी लूंगी मैं, चल अब स्कूल चलें। देख बहन मेरे होते हुए तेरे को फिकर की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे उपाय बताएगी मैं, ऐसे ऐसे उपाय बताएगी तेरा झरना यहीं बह जाएगा। एक मिनट पहले ये बता कि कौन से साउथ इंडियन से डोसा खा के आई है तू जो तेरे में ऐसा असर आ रहा है। अरे बोलने दे रे, ऐसा झरना बहेगा कि रुकने का नाम ही नहीं लेगा। पहले आता है हल्दी वाटर, 2 चम्मच हल्दी लेने का, पानी में उबालने का और पी जाने का। फिर उसके बाद आता है अदरक, अदरक लेने का, कूटने का बराबर और पी जाने का। फिर उसके बाद आखिरी में आता है रामबाण उपाय, लौंग का पानी, लौंग उबालने का, उसको पी जाने का। फिर तेरा फ्लोर रुकेगा ही नहीं, गारंटी अच्छी। ए तुम सही बोल रहे ना, ऐसा होएगा ना, मतलब ऐसा होएगा ना सर? अच्छी गारंटी जरूर होएगा। चल ठीक है मैं अभी जाके ट्राई करती हूँ। लाल किताब का असर। हल्दी वाला पानी, अब इसमें हल्दी डालनी पड़ेगी। Thank you.
अरे यार ये क्या बनवा दिया इस काम मैंने, हल्दी का पानी कौन पीता है, पर इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। तू मारना चाहती है क्या मेरे को? ये क्या इतनी घटिया चीज पिला रही है? हल्दी का पानी कौन पीता है? तू और कौन पिएगा हल्दी वाला पानी? पर यार इसमें से बदबू भी तो आ रही है, इतनी गंदी सड़ी हुई बिल्कुल। तू चाहती है ना तेरे पीरियड्स जल्दी आ जाएं, तो ये पीना ही पड़ेगा। चल दोनों काउंट करते हैं एक साथ, 1 2 3। अदरक वाला पानी, अदरक की तो चाय पीते, अदरक का पानी कौन पीता है? तेरी दादी के तो सारे नुस्खे फेल हो गए, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैंने हल्दी का पानी भी पी लिया, अदरक का पानी भी पी लिया, लौंग का पानी भी पी लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। पर अरे तो कहा है वो नानी का नुस्खा तो बाकी है। रुक देख, सुबह उठते के साथ ही तूने कहा करना, तूने खानो पहले पपाया। एक मिनट, तेरी नानी गुज्जर थी क्या? अरे सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं आप। के बाद तेरे को क्या करना, जैसी दिखे दिनोरी दिखे, दिनोरी दिखे खानो मैंगो, मैंगो खानो। फिर उसके बाद जैसी दिखे रातोरी, तो रात को खानो किसमिस, चार की ठान बन जागी बात, गारंटीड। ठीक है, तेरी नानी के भी ट्राई करके देख लो। बिल्कुल। आम तो मेरे फेवरेट है, ये तो मैं दो क्या चार चार भी खा सकती हूँ एक साथ। मतलब एक चीज तो अच्छी बताई उसका मैंने। तेरी ना दादी काम आई और ना नानी काम आई, पता नहीं क्या क्या मुझे खिला दिया, क्या क्या पिला दिया। अरे बहन नहीं हो रहे यार, अब क्या करूं मैं? देख बहन, तू पहली है जिसने सारे नुस्खे फेल कर दिए, दादी के भी और नानी के भी। अब क्या करूं? अब तो बस एक ही उपाय बचा है। क्या? झुमरू बाबा। झुमरू बाबा
तू झुमरू बाबा को नहीं जानती? इतनी महान हस्ती, अभी अभी मार्केट में नए आए वो। महान हस्ती और मार्केट में नए आए, ये क्या बात हुई? उनके पास ना एक से एक बीमारियों के इलाज है, और पीरियड्स तो छोटी बीमारी है, वहाँ पे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है पीरियड्स लाने के लिए। नहीं यार, मैं बाबा पे ना विश्वास नहीं करती हूँ, कहीं कुछ गलत सलत खिला दिया ना, पता चले उल्टा ही पड़ गया हमारे ऊपर। तू ना बस मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर और चल मेरे साथ। ठीक है, शाम को चलते हैं फिर। इतनी महान हस्ती, झुमरू बाबा, झुमरू बाबा, झुमरू बाबा। बताइए कन्या, क्या दिक्कत है? तू बता दे, मेरे को शर्म आ रही है। तू बता, तेरी प्रॉब्लम है? तू बता देना, दोस्त नहीं मेरी। तू बता। नहीं तो तू है ना, तू बता। तू बता, तू बता, तू बता। अरे दोनों में से कोई एक बता दो ना। वो बाबा, आपको तो पता ही है आप कितने महान हो, सारी समस्याओं का हल आपके पास है। इसकी समस्या ये है कि इसको एक हफ्ते से पीरियड्स नहीं हुए हैं। कन्या, मैं तुम्हारी समस्या समझ सका हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, हमारे पास सारी चीजों का इलाज है। घर का कलेश मिटाना हो, माता पिता को मनाना हो, प्रेम संबंध बनाना हो, गुप्त रोग मिटाना हो, शारीरिक रोग हटाना हो, या फिर बहुत सारा धन पाना हो, हमारे पास सब का इलाज है। झुमरी बाबा, अभी जो दिक्कत है ना उसका इलाज बता दो, बाद में आपका बायोडाटा ले लेंगे। ठीक है पुत्री। ये लीजिए पुत्री, ये बाबा की भभूती है, इसका सेवन कर लो। पर बाबा, ये तो कुछ है ही नहीं, खाली है। यही तो जादू है झुमरू बाबा का, अदृश्य दवाई है। पुत्री, अगर ये दवाई सबको नजर आने लगी तो हर कोई ना मना लेगा। ले 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 ले। अब इसको चाट लो, जिस तरह तुम लड़कों का दिमाग चाटते हो। तुम्हारा कल्याण हो। झुमरू बाबा की जय हो, झुमरू बाबा की जय हो। बाबा, झुमरू बाबा देखियो, अब तूने झुमरू बाबा के हाथ की बबूती खा ली ना, अब तू एकदम ठीक हो जाएगी। मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो, कहाँ है तू? नहीं मम्मी, बस काम में के साथ आई थी यहाँ पे कुछ खाने पीने। बस पूरे दिन इधर से उधर घूमती रहकर, हांटती फिरती रहकर उस काम में के साथ, देखो और कोई काम नहीं है ना। हाँ हाँ मम्मी, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अच्छा सुन, चुपचाप से जल्दी कर, आजा। और हाँ, मेरे लिए गोलगप्पे की प्लेट पैक करवा के ले आइयो साथ में। अच्छा ठीक है मम्मी, गोलगप्पे पैक करवा लूंगी आपके लिए भी। बर्तन कौन धोएगा, इतने सारे हो रखे हैं, जल्दी आ घर पे। हाँ हाँ मम्मी, ठीक है बाकी को घर आके सुना लेना ना, सौरभ फोन पे ही सुनाओगी। आ रही हूँ आ रही हूँ। बस पूरे दिन इधर से उधर घूमती रहेगी। कुछ नहीं, वो मम्मी कह रही थी कि गोलगप्पे मंगवाए होंगे ना मम्मी ने, वो मेरे लिए बचा रखे हैं उन्होंने, तो कह रही थी कि आके खा ले जल्दी से। अच्छा
हुए तेरे को? क्या हुए यार, कुछ नहीं हुआ। वो बाबा के चूरन ने भी कुछ काम नहीं किया, और मुझे तो लगता है चूरन देने के बहाने ना उसने हमें चूना ही लगा दिया। यार मेरे पास तो जितने उपाय थे मैंने तेरे को सारे बता दिए, अब क्या करें? एक काम करते हैं, गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं। नैन्सी नीचे आ, ऊपर क्या कर रही है? आ रहे मम्मी, चल नीचे। ये लो बेटा नींबू पानी पियो। गर्मी भी तो कितनी हो रही है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों उदास क्यों, मुंह क्यों बना रखा है दोनों ने? बाकी सब तो ठीक है आंटी, बस इसको एक हफ्ते से पीरियड्स नहीं हुए। क्या हे माँ, माता जी, ये लड़की ने क्या कर दिया, क्या कर दिया कलमोई तूने, तुम्हारे पीठ पीछे क्या करती रहती है? हे भगवान, मेरी तो नाक कटवा दी, पूरे समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? रुक जा, तेरे पापा को बुलाती हूँ, उन्हीं को बताऊंगी तेरे हरकते। अजी सुनते हो? अरे देखो तुम्हारी लड़की ने क्या कर दिया, सुनो कहाँ मर गए? कहीं ना मरा, यहीं था, अखबार पढ़ रहा था। ये देखो तुम्हारी लड़की ने नाक कटवा के रख दी हमारी। अरे अब क्या कर दिया मेरी लाडली बेटी ने? अरे तुम्हारी लड़की को एक हफ्ते से महीने नहीं हो रहे हैं। महीना नहीं हो रहा? अरे महीना तो हो गया, आज एक तारीख ही तो है। अरे मैं उस महीने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस महीने की बात कर रही हूँ जो हर लड़की को हर महीने होते हैं। क्या? मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। पागल हो गए हो क्या, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी पापा कैसी बातें करने जा रहे हो आप, आपको शर्म नहीं आती कैसी बातें करते हुए? आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? आपको अपनी परवरिश पे, अपनी लड़की पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी, कुछ भी सोचते रहते हैं बस। कह तो सही रही हमारी लड़की, विश्वास तो हमें तुझ पे बहुत है, लेकिन टेंशन भी तो है तेरी, एक हफ्ते से तेरे पीरियड्स नहीं आए। क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे जी? हाँ एक काम करते हैं, मेरी जान पहचान के एक अच्छे से डॉक्टर हैं, मैं बचपन से उन्हीं के पास जाती थी, तुझे भी उन्हीं के पास ले जाती हूँ, कोई ना कोई इलाज तो बता ही देंगे वो तुझे। डॉक्टर? मैं नहीं जाऊँ कोई डॉक्टर वॉक्टर के, ना बीमारी पूछते हैं ना कुछ, सीधा बस इंजेक्शन निकाल के ठोक देते। क्यों नहीं जाएगी, देख रहे हो कितने असर पे चढ़ गई है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। अब आप समझा रहे हो इसे या मैं समझाऊं? समझा रहा हूँ। अरे बेटा डॉक्टर के पास तो देखो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो छोटी बीमारी है, लेकिन कब बड़ी बीमारी बन जाए उसका नहीं पता ना। हाँ चल हमारे साथ डॉक्टर के पास, नाक कटवा के रख दी। ओए होए होए होए, नहीं 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 नहीं, रिस्क है। ओह शिट, देखिए सुषमा जी, आपकी जो लड़की है ना वो गलत संगत में पड़ गई है, ये उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया इसने। क्या ड्रग्स लेने लग गई? देखा मैं ना कहती थी कि लड़की बिगड़ती जा रही, लेकिन तुम मेरी सुनते ही जाओ, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी मैं रिश्तेदारी में, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी इस लड़की ने, और भेजो इस लड़की को स्कूल। मैं ना कहती थी घर में बिठाते, घर में ही पढ़ा लेंगे, लेकिन तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं होती है ना, मैं क्या बोलूंगी? मम्मी, अरे मम्मी क्या बोले जा रही हो, कुछ भी बोलती रहती हो। तू चुप कर जा, सब कुछ तेरी वजह से ही हो रहा है। इतनी बार समझाया था कि गलत संगति में मत पड़, लेकिन तुझे तो माननी नहीं होती ना, किसी को मेरी बात नहीं सुननी होती, माँ तो पागल बैठी है ना जो समझाती रहती तुम्हें, लेकिन नहीं सुननी नहीं होती। सुषमा, सुषमा, ते सुषमा, चुप हो जा, तेरी ड्रामे करने की आदत गई नहीं अभी तक, ड्रग्स वगैरह नहीं ले रही है, ये ले रही है चौमिन बर्गर पिज्जा और मोमोज, के पेट में मैदा भर गया है,
इसीलिए इसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। सुन लो क्या खाती हूँ पानी से, जब से ड्रग्स खाती करने जा रहे हो, ड्रामा मचा रखा है। लेकिन मैं तो तुझे ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ रोज। नाश्ता बनाकर देती हूँ, मैं परेशान होती रहती हूँ पूरे दिन, लेकिन तुमको तो बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है मेरी। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी एकदम सही कह रही है, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके घर का खाना खाओ। और वैसे भी लड़कियों को ज्यादा हॉर्मोन्स प्रॉब्लम हो जाती है, अगर तुम ज्यादा बाहर का खाना खाओगी तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। लड़कियों को इस बात का ज्यादातर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है। तुम घर का खाना खाया करो और कभी कभार खा लिया करो बाहर का खाना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम इसे आदत बनाओगी तो तुम्हारा ही शरीर खराब होगा। इसमें ना तुम्हारी मम्मी का फायदा है ना तुम्हारे पापा का फायदा है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करो, घर का खाना खाओ। क्या घर का खाना खिलाएंगे जब देखो चाटे खिला दी रहती हैं। मेरे को पता है ये नहीं मानने वाली, ये नहीं सुनने वाली किसी की, बुढ़ी होली मैं सुनाते समझाते, लेकिन इसको तो मेरी सुननी नहीं होती है कभी। अरे नहीं सुषमा, आज से तेरी बात सुनेगी। आज से ना इसको फ्रूट्स वगैरह, दाल रोटी सब्जी, हरी सब्जी खिलाइयो, ये सब खाएगी। खाएगी ना? ठीक है सुषमा। फिर आपको पता है हम दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे। चलो 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 जी घर, चलो घर चलना नहीं है क्या? मैं नहीं खा रही। बताऊं तुझे, खा रही नहीं खा रही है? चल हाँ खा रही हूँ। ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं। पूरा खा। नहीं बैठी हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही। जल्दी खा लेना, बनाती रहेगी बस। मतलब मेरी बात हो गए।
पानी उछलना फर्स्ट ईयर। हे गाइस, सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सबसे ज़रूरी बात जो इस वीडियो में हमने मैसेज दिया है वो ये है कि हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो, जंक फूड जो होता है, और घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाओ जो मम्मी आपको बना के देती है, अच्छा होता है, टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, और पानी पियो बहुत सारा। हाँ ठीक है, पानी पानी पियो बहुत सारा, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाओ, थोड़ा वर्कआउट भी करो ताकि आप लोग हेल्दी रहो। ना ही सिर्फ लड़कियां, बॉयज के लिए भी, दोनों के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छा खाना खाओ। तो हम मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।